एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पे इस डायग्राम में दो लाइनें ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब तुम यहाँ देखो, लिखना बंद करो पहले। ए ओ सी एंड बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी कहाँ है, ये है, और बी ओ ई कहाँ है, ये है। इन दोनों का सम कितनी डिग्री है, 70 डिग्री। एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी को मैं रेड कलर से बना लेता हूँ। ये जो है नीचे वाला एंगल, ये 40 डिग्री है। ओके, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड सी ओ ई, वेरी सिंपल। एक एंगल आपको फाइंड करना है बी ओ ई, कहाँ है बी ओ ई, बी ओ ई, ओके बी ओ ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है सी ओ ई, सी ओ ई कहाँ, ये बीच वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। नो सर, सर उसमें रिफ्लेक्स सी ओ ई लिखा है तो। हाँ, ओके, रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल तो आपको पता होगा, 360 से माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स एंगल निकल आता है। आता है कि नहीं आता बताओ? यस सर, तो रिफ्लेक्स एंगल निकल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 है। ए ओ सी कहाँ है, ये है। तो बच्चों एक काम करो, ए ओ सी को मान लो एक्स, एक्स मान लो इसको, और बी ओ ई इसको मान लो वाई। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर मैं कंप्लीट एंगल ए ओ बी की बात करूं, ए से लेके बी तक की बात करूं, तो वो कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना होगा यार, 180 डिग्री। और ए ओ बी में कौन कौन मिला है, इधर एक्स बैठा हुआ है यानी एंगल एक्स, इधर बीच में कौन बैठा है, सी ओ ई बैठा है ना, सी ओ ई को एक्स क्यों बोलेंगे, ए ओ सी हो गया एक्स, बीच में बैठा है प्लस एंगल सी ओ ई, और प्लस एंगल कौन बैठा है, ये नीचे वाला वाई, इक्वल टू 180 डिग्री। ये लो, तो तीनों ऊपर से सम लिख दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। अब एक्स प्लस वाई मतलब ये इधर वाला और ये इधर वाला। ध्यान से देखो, एक्स क्या है, ए ओ सी है, और वाई क्या है, ई ओ बी है या बी ओ ई, और एक्स प्लस वाई का सम कितने डिग्री दिया गया है, 70। तो एंगल सी ओ ई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स और वाई के सम की जगह मैंने लिख दिया 70, तो ये आ गया कितना, 180 डिग्री। सो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो कितना आ गया, 110 डिग्री। ये आया बीच वाला एंगल सी ओ ई। अब अपन को कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। देखो क्वेश्चन में ना, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, 360 में से माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110, आंसर 250। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 360 माइनस, कितना एंगल आया है, 110। सो आंसर कितना आ गया बच्चों, 250 डिग्री इज योर आंसर, वेरी सिंपल। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब एक और एंगल और इसमें निकालना है कि बी ओ ई की वैल्यू क्या है। एक एंगल इसमें और निकालना है कि बी ओ ई क्या है। ओके, एक सेकंड बच्चों। तो देखिए 250 डिग्री यहाँ पे आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन हमसे और पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, एंगल बी ओ ई निकालना। कहाँ है बी ओ ई, देखो ये है बच्चों बी ओ ई, बी ओ ई, ये है बी, ये है ओ, और ये है ई, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए तो वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए, वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए। हमारे पास देखिए, हमें ये बीच वाला एंगल पता चल चुका है, हमें ये वैल्यू पता चल चुकी है, ये बीच वाला एंगल कितने डिग्री है, 110। ओके, और ये जो लास्ट वाला है ये भी पता है, ये है 40। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल बन रहे हैं। एक 110 इधर कट रहा है, एक 40 नीचे कट रहा है, 110 सॉरी बीच में कट रहा था, है ना। तो हाँ नहीं, चल जाएगा वो 110 यहाँ है, वाई इधर कट रहा है और यहाँ 40 कट रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर देखा जाए सी डी पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी स्ट्रेट एंगल की, 110 हाँ या ना,
अरे देखना, 110 है प्लस वाई प्लस 40, तीनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल बना रहे कि नहीं बना रहे? स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180। तो 110 प्लस 40 कितना हुआ? 150। तो y प्लस 150 इक्वल्स टू हुआ 180। तो 150 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30। सो आंसर जो यहाँ पे आपका y निकलेगा वो कितने डिग्री निकलेगा? 30 डिग्री। तो एंगल BO इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ में आया? अच्छा एक चीज़ क्या होता है बच्चों, आप लोग ये देखते होंगे, ये लोग इतने बड़े बड़े एंगल लिखते हैं ना, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो बार बार इन एंगल को देख करके, AOC, COB। तो मैं आपको ये कहूँगा, ये एंगल के नाम छोटे छोटे दे दिया करो, XYZ। उससे क्या इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोग को, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे नंबर नाम लिखते 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 लिखते, और कहीं भी एक गलत हो गया तो उसमें गलत कट जाएंगे आपके मार्क्स। इसलिए युवराज पानी लिया बेटा एक गिलास। सो ये बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, हाँ सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए स्क्रीन पे, देखिए सभी को बन गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है समृद्धि, ये बहुत आराम से है। हाँ इसमें क्या दिखा है, देखिए कह रहा है एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन अपन को प्रूव करना है कि ए ओ बी लाइन है। लाइन देखो क्या है, ए है, ये ओ है और ये है बी, ठीक ना? देखो ध्यान से देखो, ये चारों एंगल है, सर्कल बना रहे हैं चारों एंगल, बना रहे कि नहीं बना रहे? तो चारों एंगल का मिल करके सम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होगा? काय को 180 बाई 360। कंप्लीट एंगल है, याद करो कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन कराई थी ना, नहीं याद है? एन एंगल विथ 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। हमें क्या लेना है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। तो ए ओ बी में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? इधर से देखोगे तो x और y बन रहे हैं, और इधर से देखोगे तो w और जेड बन रहा है। देखो ना ये ए ओ बी लाइन है, ये है ए ओ बी। तो अगर ऊपर से देखोगे, ऋषि का देख रही हो, ऊपर से देखोगे तो एक्स और वाई बन रहे हैं, और नीचे से देखो तो डब्ल्यू और जेड बन रहे हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई रहने दो, एक्स प्लस वाई ठीक है, डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे भी क्या रख दो, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई, क्योंकि गिवन है ना, डिवाइड कर दो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 बाई 2 180। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मतलब एक्स और वाई दोनों का सम मिला के कितने डिग्री है? 180 है। और जब दो एंगल का सम 180 हो, उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा किस पे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन पे। दैट्स व्हाई द लाइन AB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो x प्लस y कितना? 180 डिग्री। इसलिए AOB क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। चलो नोट करो, बनाओ जल्दी से इसको। लाइन बोलो या स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया प्रगति प्रियांशी, आप लोगों को बन गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कैसे करना है इसको। कह रहा है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। हाँ भाई हमें दिख रही है पी ओ क्यू, यहाँ पे एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन द पी क्यू, मतलब ये जो लाइन है ये वाली रे परपेंडिकुलर है। ओ एस इज द अनदर लाइन लेइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक लाइन जो है ओ एस है। क्या प्रूफ करना है? एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ द एंगल, एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ द एंगल ओ क्यू एस माइनस पी यू एस। ओके, एंगल आर ओ एस इज द हाफ ऑफ द एंगल ओ क्यू एस, हाफ ऑफ द एंगल ओ क्यू एस क्यू ओ एस माइनस पी यू एस। चलो आ गया क्वेश्चन समझ में। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों ऐसा कभी क्वेश्चन आया ना, ये हाफ हाफ दिया हो ना, तुम यहाँ ध्यान दो, नहीं कुछ नहीं आएगा तुम्हें समझ में। इधर अगर अभी ऐसा क्वेश्चन कभी आया ना, टू वगैरह नीचे दिया हो, इसको फट से ऊपर करो। तो एक्चुअली ये था क्या क्वेश्चन, ये था टू टाइम ऑफ एंगल आर ओ एस,
इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बाकी बच्चों जिन्होंने अपने तरीके से किया वो भी इस क्वेश्चन को देख लें, उनकी मदद होगी। देखो टू एंगल आर ओ एस, आर ओ एस कहाँ है, ये है। बच्चों एक काम करो, इतना बड़ा क्यों बार बार लिखूँ, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, इसको कुछ मान लो, इसको एक्स मान लो। चलो क्यू ओ एस कहाँ है भाई, क्यू एस, क्यू ओ एस, इतना बड़ा एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, ये तो 90 है, ये कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस एंगल पी ओ एस, इसको क्या मान लो, पी ओ एस को आप एक काम करो वाई ले लो, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए, बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा हल्का सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या लेके आना है बच्चों, मुझे ये लेके आना है ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्यू एस कहाँ है, ये है क्यू ओ एस, चलो मैं लेके आता हूँ। तो मैं आर एच एस उठाता हूँ इस क्वेश्चन का, आर एच एस, आर एच एस मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो आर एच एस मैंने उठाया। क्या है आर एच एस, समृद्धि, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। चलो भाई एंगल क्यू एस, क्यू एस देखो, क्यू ओ एस देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 90 है और ये x है, तो क्यू एस टोटल क्या बनेगा, 90 प्लस x माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस कितना अपने पास, एंगल पी ओ एस अपने पास है y, ओके 90 प्लस x माइनस y, ओके 90 प्लस x माइनस y, हमें क्या शो करना है, एक कहाँ 360 पहुँच गए यार, क्या कर रहे हो, कहीं भी लीनियर पेयर ऐड किया नहीं, 180 बोल रहे हो आप। एंगल क्यू ओ एस में से हमने जो है, एंगल क्यू ओ एस में से हमने केवल पी ओ एस माइनस किया है, एंगल क्यू ओ एस में से हमने पी ओ एस माइनस किया है, तो ये हमारे पास आ गया आर एच एस एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, ओके। हमको क्या लेकर के आना है, इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, आर ओ एस किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, आर ओ एस जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 है पूरा का पूरा, ये एंगल 90 है, तो इधर वाला ये वाला पार्ट भी कितना है, 90 तो होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ध्यान से देखो, x प्लस y इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज ये x है और ये y है, तो x प्लस y कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये है 90 प्लस x माइनस वाई की वैल्यू 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से 90 प्लस एक्स माइनस का 90, ओके एंड माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 90 से 90 कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया 2x, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल व्हाट, x क्या है आर ओ एस, यही तो प्रूफ करना था, इज इक्वल टू आर ओ एस। आ गया आर एच एस, आ गया एल एच एस, आ गया कि नहीं आया, बोलो आ गया। तो जो बच्चों ने दूसरे मेथड से किया है अब वो फील कर रहे होंगे कि हाँ सर ये वाला मेथड आपका बहुत ईजी है ना, क्योंकि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड करो, एक बार शायद आपने देखा भी हो इसका सोल्यूशन, इसको करने के लिए मदद ली हो, क्योंकि वहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, इस मेथड से ये बहुत ईजी हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार इस मेथड से आप लोग करें, और फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, ओके एक्स वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो एक अपने मन से एक्स वाई जेड का एंगल बना लो 64 का, ये एक्स बन गया, ये कॉर्नर, ये वाई बन गया और ये जेड बन गया, सो सम वॉट इट इज 64 डिग्री, थोड़ा सा और दबाना था बट कोई नहीं, काम चल जाएगा 64 डिग्री, ठीक है भाई। ड्रॉ ए फिगर एक्स, कह रहा है एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, इफ एक्स वाई इज प्रोड्यूस एट पॉइंट पी, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस करो, बढ़ा दो कुट 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 कुट, चलो मैंने यहाँ पी तक बढ़ा दिया, इसको प्रोड्यूस कर दिया पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, बना लिया, कह रहा इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही, अब यार देखो इतना सिंपल है, अगर ये 64 है, अगर आपने इसको प्रोड्यूस किया है, मतलब ये तो लीनियर पेयर हुआ ना, तो मतलब ये कितना होगा, ये 180 माइनस 64 होगा, तो पहले ही निकाल लो ना, 180 में से 64 गया कितना बचा, 10 में से 4 गए 6, ये बन गया 7 में से 6 गए 1, ओके कितना बन गया 116 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है टोटल 116 है,
और कह रहा है इसको एक एंगल वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एक रे, तो ले बाइसेक्ट करा दो, ये वाई क्यू है। अब 116 का आधा आधा, क्योंकि 116 टोटल है तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। क्यों जाएगा सर? क्योंकि बाइसेक्टर है यार, बहुत सिंपल है। तो 116 के दो पार्ट कर दो, तो 2 5 10 और 2 8 16, तो 58 डिग्री यहाँ कटेगा और 58 डिग्री यहाँ कटेगा। क्या कह रहा है? फाइंड बाइसेक्ट, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। कहाँ एक्स वाई क्यू? ये है एक्स, ये है वाई, ये है क्यू। तो एक्स वाई क्यू मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स वाई क्यू आ जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे स्टार्ट है, ये वाई है और ये क्यू है। तो एक्स वाई क्यू कितना होगा? 64 + 58। तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 + 58। आंसर कितना आ गया? 122। क्या हुआ? हाँ, अगला अगला एंगल कहना है इनका कि रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा? 360 से माइनस कर दो। क्यू कहाँ है? ये है। वाई कहाँ है? ये है। फिफ्टी ये कहाँ है? पी है। तो कुछ नहीं, 58 कर दो, 360 से माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए कि आपके पास आ गया